वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कवर्धा के फुटकर सब्जी और मछली व्यापारियों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर उच्च अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कोरोना संक्रमण से शहर को सुरक्षित रखे जाने के संबंध में व्यापारियों से आवश्यक सुझाव भी लिए। वन मंत्री अकबर ने सब्जी व्यापारी शंकर पटेल, शकील अहमद, मुन्नू ठाकुर, हरी राजेश केसरवानी, गायत्री जोशी, राजीव कुर्रे ने अभी वर्तमान में फुटकर सब्जी विक्रेताओं को यथास्थान में लगाने जाने हेतु अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन से सभी का व्यवसाय प्रभावित रहा है। नवीन बाजार के आसपास व्यवसाय करने से ही हम लोगों को व्यवसाय चल पाता है। अब व्यापार अन्यत्र स्थानांतरण होने पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वन मंत्री अकबर ने व्यापारियों को मांगों को गंभीरता से सुनकर कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा को निर्देशित किया है और वर्तमान में जिस स्थान पर सब्जी और मछली व्यवसायियों का व्यवसाय चल रहा था अभी वर्तमान में उसी स्थान पर लगाने हेतु आदेश प्रारित किया गया। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि कोरोना संक्रमण में लगातार इजाफा हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन के पालन कराए जाने भी कहा ताकि हमारा शहर कोरोना संक्रमण से दूर रहे। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर की अनिवार्यता रखें और सुरक्षित ढंग से इनका व्यवसाय हो ऐसा व्यवसाय प्रयास करें।